हेलो एवरीवन, मैं हूँ आदेश और फ्रांसी कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली एक्सरसाइज सीरीज के अंतर्गत आज हम जानेंगे एक्सरसाइज नंबर 9 के बारे में। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टैली एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 9 है और यहाँ पर हमको सिलेबस में क्या तैयार करना है ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर फाइड इनवाइज हमको तैयार करना है, यानी हमको ढुलाई फाड़ा लगाना है। डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स मूवमेंट एनालिसिस स्टॉक आइटम एंड ग्रुप शो प्रॉफिट बोल रहा है। तो यहाँ पर हमको जो है स्टॉक आइटम और यहाँ पर जो है कि प्रॉफिट की जानकारी भी देखना है। तो यहाँ पर जो है कि हम आगे देखें तो यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम है शिव इंजीनियरिंग लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ करके, और वहाँ पर जो है शिव इंजीनियरिंग लिमिटेड रायपुर का कुछ स्टॉक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो इसकी एंट्री हम सबसे पहले करेंगे। तो इसके लिए हमको जाना होगा हमारे टैली में, और टैली में हम आते हैं तो यहाँ पर जो है मैंने पहले ही एक कंपनी बना के रखा हुआ है। यहाँ पर हमको मास्टर्स बनाने हैं। मास्टर्स बनाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शिव इंजीनियरिंग लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ एक कंपनी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर स्टॉक आइटम दिया हुआ है। यहाँ पर स्टॉक आइटम है, यूनिट है, क्वांटिटी है, प्राइस है और अमाउंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो यहाँ पर हमको जाना है टैली में, और टैली में जाने के बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद हमको यूनिट ऑफ मेजर में जाना है और यहाँ पर हमको क्रिएट ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है मोटर पंप 1 FP। तो यहाँ पर हमको टाइप करना है मोटर, सॉरी यहाँ पर हमको यूनिट पहले तैयार करना है। तो यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट नॉस और BLD दिया हुआ है, यानी बंडल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम नॉस टाइप करेंगे, इंटेंटर करके इसको सेव कर देंगे। उसी तरीके से जो है BLD टाइप करेंगे और इंटेंटर करके इसको भी सेव कर देंगे। अब यहाँ पर स्किप दबा के वापस हो जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमको स्टॉक आइटम में जाना है, क्रिएट में चले जाना है। क्रिएट में हम जाएंगे तो यहाँ पर मोटर पंप 1 HP दिया हुआ है, तो हम सिलेक्ट करेंगे मोटर पंप 1 HP, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर हमको ग्रुप सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है मोटर पंप जो है नग में है कि बंडल में, तो एक्चुअल में जो है मोटर पंप जो होता है वो गिन सकते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको हम नॉज लेंगे। तो यहाँ पर हम नॉज सेलेक्ट करेंगे। नॉज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपनिंग क्वान्टिटी बताना है, 15 दिया हुआ है 3950 रुपये के रेट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3950 रुपये के रेट से टोटल वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है। इसको एंटर करके सेव करेंगे। वैसे ही हमको यहाँ पर मोटर पंप 2 HP बना देना है। यहाँ पर मोटर पंप 2 HP हम बनाएंगे। यूनिट हम लेंगे नॉस। यहाँ पर हमको क्वांटिटी बताना है, क्वांटिटी 10 है 6800 रुपये के रेट से। देख सकते हैं यहाँ पर 6800 रुपये के रेट से है। इंटेंटर करके सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोटर पंप 5 HP दिया हुआ है, मोटर पंप 5 HP दिया हुआ है, इसकी एंट्री करेंगे। नॉर्मल में हम डालेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे और इसमें देखिए तो 5 क्वांटिटी है 9800 रुपये के रेट से। 5 क्वांटिटी 9800 रुपये के रेट से इंटेंटर करके सेव करेंगे। वैसे यहाँ पर मोटर पंप 10 HP दिया हुआ है, मोटर पंप 10 HP, इसको एंटर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। नॉज लेंगे, एंटर करेंगे, क्वांटिटी हम डालेंगे। क्वांटिटी अगर देखें तो 6 क्वांटिटी है, 6 क्वांटिटी यहाँ पर 12100 रुपये के रेट से। एंटर एंटर करके इसको भी सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए तो क्रप्टन फैन नॉज दिया हुआ है, क्रॉप्टन फैन नॉज है। क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी है 100 670 रुपये के रेट से, 100 670 रुपये के रेट से। इंटर करके इसको भी सेव करेंगे। वैसे यहाँ पर वायर 1 x 18 दिया हुआ है, वायर 1 x 18 कॉपर दिया हुआ है। कॉपर यहाँ पर इसको बंडल रखेंगे, 40 क्वांटिटी है,
क्वांटिटी यहाँ डालेंगे 340 रुपये के रेट में, प्रिंट करके सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया वायर 1x20, वायर 1x20 कॉपर। यहाँ पर हम आएंगे, इसको भी वेंडर के अंदर रखेंगे, क्वांटिटी हम दर्शाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 2567 रुपये के रेट से, 25 क्वांटिटी 2567 रुपये के रेट से। उसके बाद यहाँ पर वायर 3x18 दिया हुआ है, वायर 3x18 इसको हम लेंगे। यहाँ पर इसको भी वेंडर रखेंगे, क्वांटिटी डालेंगे 22 है, 981 रुपया 55 पैसे, इंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो वायर 7x20 दिखाई दे रहा है, वायर 7x20 है, इंटर करके आगे बढ़ेंगे, इसको भी बंडल में रखेंगे। और यहाँ पर आने के बाद जो है क्वांटिटी हम डालता आ देंगे, यहाँ पर 10 क्वांटिटी रेट हम डालेंगे 1288 रुपये, एंटर करके ये सेव कर देंगे। अब हमारा पूरा स्टॉक आइटम बन चुका है, आप देखेंगे 375,599 रुपये 10 पैसे इसका टोटल यूज है, ये आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर हमको रिपोर्ट के अंदर जाना है, स्टॉक समरी में एंटर करेंगे तो 375,599 रुपये 10 पैसे यानी हमारा जो योग है वो सही आ रहा है, यानी हमने जो एंट्री किया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब हम देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं इनवाइज एंट्री, इनवाइज एंट्री यानी हम यहाँ पर सेल की एंट्री पास करेंगे। जिस तरीके से हमने 8वीं एक्सरसाइज में परचेज की एंट्री करना सीखे, उसी तरीके से अब हम यहाँ पर माल बेचना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है इनवाइज एंट्री के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले डेट दिया हुआ है, फिर नेम दिया हुआ है, नेम और यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्सन इलेक्ट्रॉनिक को हम बेचेंगे, साह इलेक्ट्रिकल है, श्रद्धा मशीनरी है, यहाँ पर सुंदर पाइप्स एंड मशीनरी है, यहाँ पर श्वेता वायर्स है। अब यहाँ पर हम देखें तो बिल की संख्या दी हुआ है ACC-901। हमने परचेज अकाउंट की एंट्री करते समय सप्लायर इनवॉइस नंबर डाला हुआ था, तो वहाँ पर बिल की संख्या देने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हमको कॉन्फिगर करना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है क्वान्टिटी वाइज और टोटल वैल्यू यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर टाइप चार्जेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेजर बना लेते हैं एक्सन इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि हम ग्राहक को माल बेचेंगे यानी ये संडी चैप्टर के अंदर आएगा। तो हम यहाँ पर रिपोर्ट देख लिया, रिपोर्ट देखने के बाद गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो में जाने के बाद लेजर और लेजर में जाने के बाद क्रिएट में को चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद एक्सन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स दिया हुआ है, यहाँ पर हम एक्सन इलेक्ट्रिकल इसको हम रखेंगे संडी डेप्टर के अंदर, इंटेंट करके सेव कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर साह इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है, साह इलेक्ट्रिकल्स इसको भी हम रखेंगे संडी डेप्टर के अंदर, सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए श्रद्धा मशीनरी दिया हुआ है, श्रद्धा मशीनरी इसको भी हम रखेंगे, इसको भी संडे डॉक्टर के अंदर रखेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर सुंदर पाइप्स एंड मशीनरी, सुंदर पाइप्स एंड मशीनरी इसको भी हम संडे डॉक्टर के अंदर सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है श्वेता वायर, तो श्वेता वायर का भी हम लीजर बना लेते हैं, श्वेता वायर ये भी संडी डॉक्टर के अंदर रहेगा, इसको सेव कर देंगे। जब भी हम सेल वाउचर में सेल की एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हमको सेल की स्थिति को यानी सेल अकाउंट को बताना होता है, इसलिए जो है हम सेल्स अकाउंट का भी लेजर बनाएंगे। यहाँ पर इसको अंडर व्यू सेल्स अकाउंट के अंदर डाल देंगे, इसको एंटर करके सेव। अब यहाँ पर हम देखें एक्सरसाइज में, तो मैंने पहले ही बताया हुआ था यहाँ पर फ्राइड इनवाइस देना है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो एक कॉलम बना हुआ है 1% नी 2% ऐसी जानकारी को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम जब भी सेल करेंगे तो यहाँ पर हमको ढुलाई भाड़ा लगाना है, तो 1% दिखा रहा है FRT यानी फ्राइड चार्जेस। हम फ्राइड चार्जेस का एक लेजर बनाएंगे यहाँ पर, फ्राइड
चार्जेस। यहाँ पर इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि हम ग्राहक को माल बेचते समय खर्च कर रहे हैं, इसलिए इंटेंट करके इसको सेव कर देंगे। या फिर हम इसको चाहते तो फ्लाइट इनवाइस को जो है या फ्लाइट चार्जेस को जो है डायरेक्टली जो है सेल अकाउंट के अंदर भी रख सकते थे, लेकिन बेहतर होगा कि इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखें। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी एंट्री करना है। तो यहाँ पर एंट्री करने से पहले यहाँ पर दिया हुआ है बिल की संख्या, तो बिल की संख्या हम कैसे डालेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं परचेज वाउचर दिखा रहा है, और परचेज वाउचर के अंदर सप्लायर इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 8 में डाले थे। पर यहाँ पर जो है सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी सप्लायर के द्वारा हमको बिल नंबर मिलता है, पर अब हम यहाँ पर अगर ग्राहक को माल बेचेंगे तो हमारी बिल की संख्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सेल अकाउंट में जाना चाहता हूँ तो एफ हिट यहाँ पर पेश करना है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी जो बिल की संख्या है ये 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको बिल की संख्या चेंज करनी है। और यहाँ पर रेफरेंस नंबर यानी इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पर नंबर हमको चेंज करना है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे ये हम समझ लेते हैं। तो हमको जाना है यहाँ पर मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो में, हमको जाना है मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फो। आप देखेंगे यहाँ पर वाउचर टाइप्स दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप दूसरा तरीका है यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा वाउचर टाइप। दोनों में से अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो दोनों में से कोई भी एक जगह जा सकते हैं। वाउचर टाइप में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे, सॉरी क्रिएट में नहीं जाना है हमको, यहाँ पर हमको जाना है अल्टर। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हम सेल करते समय इसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पर जो बिल की संख्या है वो हम खुद सेल करते समय देना है। तो यहाँ पर हम सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, जो हम अकाउंटिंग वाउचर में गए थे उसी वही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स वाउचर में आने के बाद यहाँ पर ये जो नेम दिखा रहा है इसको जैसे के तैसे रहने देंगे। हम नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो दिखाई दे रहा है इसको हम ऑटोमेटिक रखेंगे। नीचे की तरफ हम आएंगे तो यूज एडवांस कॉन्फिग्रेशन को यस कर देंगे, इसको वाई हम प्रेस करेंगे और एंटर पास करेंगे। जैसे एंटर पास किए देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर नया एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर आप देखेंगे एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है 901 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वही नंबर आपको टाइप कर देना है 901। विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे नंबरों की संख्या कितनी दिखाई दे रहा है 901, तो यहाँ पर आपको 3 दे देना है। अब यहाँ पर प्रीफिल भी 0 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर आप यस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 रखा और यहाँ पर ये 3 ले लिया। अब यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को यस करता हूँ तो इसको यस करने से जो है हमारी बिल की जो संख्या होगी वो 001 002 003 ऐसे आएगा। तो यहाँ पर यस करने से जो है प्रीफिल भी 0 को यस करने से जो है हमारी नंबरों की संख्या 0 से शुरुआत होगा, लेकिन हमारे नंबरों की जो संख्या है वो 3 ही होगी। लेकिन आप इसको नो करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ हमने 1 टाइप किया तो हमारी जो बिल की संख्या है 1 2 3 ऐसे आएगा, और यहाँ पर हमने अगर नो यस कर दिया है तो 001 002 इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जो है स्टार्टिंग नंबर 901 डाल देना है, उसके बाद जो है यहाँ पर विद ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 3 रखेंगे, प्रीफिल विद 0 नो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं 3 कॉलम है, रीस्टार्ट नंबर, यहाँ पर प्रीफिक्स डिटेल और यहाँ पर सफिक्स डिटेल। तो यहाँ पर आप एप्लीकेबल डेट डालेंगे यानी किस दिन से बिल की संख्या आप जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर पास करेंगे तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग नंबर बोला गया है, जो नंबर आपने यहाँ पर 901 बताया इसको आप यहाँ पर 901 टाइप कर देंगे। अगर आप यहाँ पर 901 नहीं करते हैं 1 भी रखते हैं तो भी ये जनरेट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर भी 901 कर देना है। उसके बाद जो है इसको 901 रखेंगे, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर में कुछ टॉपिक मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर डेली है, मंथली है, नेवर है, वीकली है, ईयरली, कोई भी मिल जाए वो संख्या होती है वो हमारी ईयरली वाइज होता है या तो फिर मंथ वाइज।
और आप डेली में जाएंगे तो आपको बिल की संख्या हर दिन आपको कॉन्फिगर करना पड़ेगा, या आप जो है वीकली में जाएंगे तो भी आपको हर हफ्ते चेंज करना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली जो है 1-2 के सीरीज में आ जाएगा। तो बेहतर है कि आप ईयरली या मंथली रख सकते हैं। अगर आप मंथली रखते हैं तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आ जाएगा 1-5। तो आपको हर महीने कौन से डेट से बिल को चेंज करना है, बिल की संख्या को, ये आप लेंगे। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर ईयरली करके आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एप्लीकेबल डेट हमारा 1-4 ही होगा, और 1-4 लेने के बाद यहाँ पर प्रीफिक्स डिटेल और यहाँ पर दिखाई दे रहा है सफिक्स डिटेल। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बिल हमने दिए, बिल नंबर आप देख पा रहे हैं 901 हमने टाइप किया, लेकिन उसके पहले ईसी दिया हुआ है, तो इसको भी हमको बताना होगा। प्रीफिक्स में यानी पहले आएगा और सफिक्स यानी बाद में आता है। नंबरों की बात की अगर हमको कुछ जानकारी डालना है तो यहाँ पर हम सफिक्स में डालेंगे, और नंबर से पहले बताना है तो यहाँ पर प्रीफिक्स में। तो यहाँ पर हम डालेंगे, देखेंगे आप एस ई सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एस ई सी ई सी डेट टाइप करेंगे और इसको हम एंटर एंटर करके इस स्क्रीन से सेव करेंगे। और यहाँ पर भी इस स्क्रीन को सेव करना होगा, अगर आप इस स्क्रीन को सेव नहीं करते हैं तो आपका बिल संख्या जो है कॉन्फिगर नहीं होगा, तो इसको भी एंटर एंटर करके सेव कर देना है। वापस अब आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में आप जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल की संख्या जो है चेंज हो चुका है, ACC-901। अब यहाँ पर आपको पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेना है। पार्टी नेम क्या है देख लेते हैं, एक्शन इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है तो एक्शन इलेक्ट्रॉनिक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मोटर पंप 10 HP आइटम है। सबसे पहले जैसे हमने पार्टी नेम लिए तो ये स्क्रीन खुल रहा है। अगर आपको पार्टी से रिलेटेड कोई जानकारी डालना है तो जैसे कि डिलीवरी नोट की जानकारी है, अगर हम सेल करते हैं और अगर हम ग्राहक से कोई ऑर्डर लिए हुए हैं तो यहाँ पर जो है हम सेल ऑर्डर की एंट्री करते हैं। सेल ऑर्डर करने के बाद जो है हम चलान भेजते हैं, यानी डिलीवरी चलान हो जाएगा। इस तरीके से हम यहां पर एंट्री करते हैं, डिस्पे डेट वगैरह बताते हैं। तो फिलहाल अभी हम सिंपल एंट्री कर रहे हैं, तो इसको एंटर एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, या तो फिर कंट्रोल सेव कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है हम मोटर पम्प 10 HP सेलेक्ट कर लेना है। मोटर पम्प 10 HP सेलेक्ट करेंगे, क्वान्टिटी हम बताएंगे 1, रेट हम बताएंगे 12,500। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,500 दिखाई दे रहा है, 12,500 आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है मोटर पंप 1 HP, मोटर पंप 1 HP, क्वांटिटी है 2, 4,250 रुपये के रेट से 4,250। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ वायर 1x18, वायर 1x18, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हम बताएंगे 5 बंडल है 355 रुपये के रेट से, 5 बंडल 355 रुपये के रेट से। यहाँ पर आप देखेंगे 22,775 रुपये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 22,775 की जगह में जो है यहाँ पर 23,275 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1% जो है हमारा ढलाई भाड़ा लगा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको कोई आइटम नहीं लेना है, तो एंटर पास करेंगे, और जैसे एंटर पास करेंगे तो टोटल वैल्यू के नीचे हमको लेजर सेलेक्ट कर लेना है। लेजर हम सेलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर जो हमने 5 चार्जेस का लेजर बना के रखा हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे, और रेट वाले कॉलम में आपका कर्सर दिखाई दे रहा है, तो कर्सर में आप देख पा रहे हैं 1 दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज में, इसको आपको 1 प्रेस कर देना है। 1% दिया हुआ है, लेकिन आप 1 प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक परसेंट सिम्बॉल आ जाएगा, और यहाँ पर 1% यानी 22,775 रुपये का 1% वैल्यू निकल गया, और इन दोनों को योग करोगे तो आपका 23,275 आता है। इसको एंटर एंटर करके यहाँ पर से इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से जो है दूसरा बिल साहिब इलेक्ट्रिकल्स दिया हुआ है, यहाँ पर बिल की संख्या, तो बिल की संख्या आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ACC-902 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ACC-902 है। यहाँ पर हम पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर साहिब इलेक्ट्रॉनिक है, एंटर करेंगे, इस स्क्रीन को एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, क्रप्टन फैंस लेंगे, क्रप्टन फैन क्वांटिटी हम बताएंगे 10 है,
आगे हम देखेंगे तो 688 रुपये के रेट से 688 यहाँ पर 6880 रुपये टोटल आ गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे 6880 रुपये आ रहा है। यहाँ पर नील दिया हुआ है यानी यहाँ पर फ्लाइट चार्जेस एक भी रुपये नहीं लगा है, एक भी परसेंट नहीं लगा है। तो हमको यहाँ पर फ्लाइट को बताने की जरूरत नहीं है, इसको एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से दिया हुआ है श्रद्धा मशीनरी, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे श्रद्धा मशीनरी, कंट्रोल इसे सेव कर सकते हैं, इस स्क्रीन को सेल करेंगे। और यहाँ पर हम आते हैं तो मोटर पंप 1 HP दिया हुआ है, मोटर पंप 1 HP सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हमको बताना है, 5 क्वांटिटी है 4250 रुपये के रेट से। उसके बाद अगला आइटम हम देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है मोटर पंप 2 HP, मोटर पंप 2 HP, क्वांटिटी हमको बताना है 2। उसके बाद हम देखें तो आगे आता है 6800 रुपये के रेट से। उसके बाद अगला आइटम हमको लेना है मोटर पंप 5 HP, वन क्वांटिटी है 9800 रुपये के रेट से, 9800 रुपये के रेट से। उसके बाद देखें तो यहाँ पर जो है मोटर पंप 10 HP दिया हुआ है, मोटर पंप 10 HP यहाँ पर भी दिया है वन नॉस 12500 रुपये के रेट से। अब यहाँ पर इसको टोटल के नीचे हमको एंटर पास करना है, और यहाँ पर हमको आने के बाद हमको सिलेक्ट करना है फ्लाइट चार्जेस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2% दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको फ्लाइट चार्जेस सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे और एंटर मारेंगे। आप देखेंगे आपका बिल जो है 58293 रुपये आ रहा है, यहाँ पर भी 58293 रुपये। इस तरीके से हम लेंगे इसको भी एंटर करके सेव कर देंगे। अब हमारा जो बिल का डेट है 2/4 दिख रहा है सुंदर पाइप मशीनरी, तो यहाँ पर बिल की संख्या जो है ACC-904 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ACC-904 है। और यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है सुंदर पाइप्स एंड मशीनरी। यहाँ पर हमको एक चीज और ध्यान रखना है, डेट भी चेंज करना है, 2/4 रख देना है। और यहाँ पर हम सेल से कम सिलेक्ट करेंगे, आप देख पाएंगे श्रद्धा मशीनरी 2/4 के डेट में 2/4 हमने अब चेंज किए। और यहाँ पर जो है ACC-904 दिखाई दे रहा है, डेट आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्रप्टन फैन दिया हुआ है मोटर पंप 5 HP, तो यहाँ पर क्रप्टन फैन सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हमको बताना है 20। उसके बाद जो है यहाँ पर 688 रुपया रेट दिया हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर मोटर पंप 5 HP दिया हुआ है, 2 नॉज 9800 रुपये के रेट्स के। इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर हमको फ्लाइट चार्जेस लगा देना है। फ्लाइट चार्जेस पर आप देख रहे हैं 1% दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम फ्लाइट चार्जेस सेलेक्ट करेंगे, 1% लगाएंगे और टोटल यहाँ पर 33693 रुपये, 33693 1% दिखाई दे रहा है। एंटर करके इसको भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आता है 2 अप्रैल की स्थिति में श्वेता वायर दिया हुआ है ACC-905, यहाँ पर बिल की संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमको श्वेता सेलेक्ट कर लेना है श्वेता वायर। यहाँ पर इस स्क्रीन को एंटर करके सेव या कंट्रोल ए से यहाँ पर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो वायर 1x18 दिया हुआ है, वायर 1x18 एंटर करेंगे। यहाँ पर 10 बंडल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 355, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला आइटम लेना है 1x20। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 बंडल दिया हुआ है 467 रुपये के रेट से। उसके बाद दिया हुआ है वायर 1x18, 1x18 10 बंडल दिया हुआ है यहाँ पर 981, और यहाँ पर 3x18 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सही कर लेते हैं 3x18 सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम आते हैं तो 10 बंडल दिया हुआ है 10 बंडल, और उसके बाद जो है 981.55 यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 981.55 एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमको फ्लाइट चार्जेस लगा देना है, फ्लाइट चार्जेस यहाँ पर दिया हुआ है 1.5% यहाँ पर आप देखेंगे
15,936 रुपये 1 पैसा आ रहा है, 15,936 रुपये 1 पैसा, इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब हमारा सेल की पूरा एंट्री कंप्लीट हो गया है। वापस हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे तो हमको रिपोर्ट की जानकारी देखने, आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक क्वेरी रिजल्ट बोल रहा है, यहाँ पर शॉर्टकट की के बारे में बताया गया है, मास्टर्स की के बारे में, DET यानी हमको स्टॉक क्वेरी की जानकारी देखना है, तो हमको यहाँ पर एक्सरसाइज में आ जाना है, और एक्सरसाइज में आने के बाद हमको रिपोर्ट के अंदर डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर डिस्प्ले मेन्यू के अंदर अगर आपको लेजर से संबंधित या वाउचर से संबंधित जानकारी देखना है तो आप जो है यहाँ पर अकाउंट बुक्स और जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का यूज करेंगे। अगर स्टॉक से संबंधित जानकारी देखना है तो यहाँ पर इन्वेंट्री बुक और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री की जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर स्टॉक क्वेरी में चले जाना है। स्टॉक क्वेरी में जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है मोटर पंप 10 HP 2-4 की स्थिति में लास्ट होल्ड बता रहा है, तो यहाँ पर जो है मोटर पंप 10 HP के बारे में हम देख लेते हैं। मोटर पंप 10 HP सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने माल कितने में खरीदा था, यानी आपके पास कितने रुपए का माल था और कितने में आपने बेची, इसकी जानकारी दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक क्वेरी में आपको दिखाई दे रहा है क्लोजिंग बैलेंस करके दिखाई दे रहा है 4 नग, कॉस्ट प्राइस 12,100, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉस्ट प्राइस 12,100 है और स्टैंडर्ड प्राइस बता रहा है 12,500। स्टैंडर्ड प्राइस आप देखिए इधर की साइड जिस रेट में आपने सेल किया हुआ है वो स्टैंडर्ड प्राइस होता है, तो यहाँ पर जो है 12,500 में सेल किया हुआ है। अगर आप परचेज करेंगे तो इस टेबल में दिखाई देगा, यानी इस बॉक्स में आपकी एंट्री आएगा, और अगर आपने सेल किया हुआ है तो यहाँ पर, यहाँ पर आने से स्टॉक क्वेरी में आने से आप जो है अपने स्टॉक को कितने में खरीदा और कितने में आपने सेल की, इसकी भी जानकारी आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर मोटर पंप 5 HP 2-4 की स्थिति में, यहाँ पर सुंदर पाइप, तो यहाँ पर जो है वापस आ जाते हैं स्किप दबाकर, और यहाँ पर हमारा दूसरा आइटम है मोटर पंप 5 HP, तो यहाँ पर हम 5 HP सिलेक्ट करेंगे, और 2-4 के डेट में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कितने में बेचा। सुंदर पाइप दिखाई दे रहा है 9,800 रुपये के रेट में हमने बेचा है, 9,800 हम देख पा रहे हैं दिखाई दे रहा है। हमने कितने में खरीदा था, यानी हमने हमको कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा था 9,800 रुपये, और 9,800 में ही हमने यहाँ पर बेच दिए थे, इसकी जानकारी यहाँ पर से हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रप्टन फैन, इसी तरीके से आपको क्रप्टन फैन का भी देख लेना है, इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर हम आएंगे 670 रुपये में हमने खरीदा, आप देख सकते हैं 670 में हमने खरीदा था, और यहाँ पर 688 में हमने यहाँ पर इसको सेल कर दिया। इस तरीके से हम इसको रिपोर्ट को देखेंगे। वापस हम आएंगे, वापस आने के बाद अब हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमको देखना है हिंट F7 दिखा रहा है, यानी स्टॉक समरी की हमको जानकारी देखना है, हमको जाना है यहाँ पर टैली के अंदर स्टॉक समरी में, यहाँ पर स्टॉक समरी में जाएंगे, और यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। आप राइट साइड में बटन बार में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा F7 शो प्रॉफिट, तो आपको F7 प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जानकारी जो है यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज है, जैसे मोटर पंप 1 HP दिखाई दे रहा है, मोटर पंप 1 HP, ये देखिए मोटर पंप 1 HP है, 7.06%, यहाँ पर भी दिखा रहा है 7.06%। उसके बाद यहाँ पर 2 HP और 5 HP नील दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 HP नील है, 5 HP भी 0 दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है मोटर पंप 10 HP 3.20 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं मोटर पंप 10 HP 3.20 दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रप्टन फैन दिखाई दे रहा है 2.62, क्रप्टन फैन आप देख लेते हैं यहाँ पर 2.62 दिखाई दे रहा है। उसके बाद 4.23 आपका वायर वैन 1:18 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है आप इसको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने किस आइटम पर कितना प्रॉफिट लिया इस तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो और बेहतर तरीके से जानकारी देखने के लिए हमारे ब्लॉग पर विजिट करें, और यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने
ब्राउजर पर जाना है, ब्राउजर में सर्च करना है आपको यहाँ पर फ्रांसी कंप्यूटर ज्ञान .blogspot.com। इसकी सहायता से जो है हमारी वीडियो की और भी जानकारी, साथ में थ्योरिकल की जानकारी आप यहाँ पर से देख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप यह वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।